रघु, रघु के हुए अज और अज के हुए दशरथ। दशरथ जी महाराज के तीन विवाह हुए। सबसे बड़ी रानी का नाम था कौसल्या, बीच वाली का नाम था केकई और सबसे छोटी का नाम था सुमित्रा। केकई माता का नाम तो है स्वरूपा, बचपन का नाम है स्वरूपा, बहुत सुंदर थी और बहुत राजनीति में निपुण थी माता केकई। राम को वन में भी भेजा तो ये भी एक माता की नीति थी। जब सब राम को राज देने की खुशी में पागल हो रहे थे तो माता केकई ने राम को बुलाया और कहा, बेटा राम तेरे को पता है राज्य में क्या हो रहा है? राम ने कहा, माता जी मेरे को तो नहीं पता। लो, कुछ पता ही नहीं है तो तुम कैसे युवराज बनोगे, कैसे राजा बनोगे? अरे युवराज और राजा तो वो होता है जो रहे चाहे कहीं, लेकिन अपने राज्य के हर कोने की खबर उसके पास में रहे, कहां क्या हो रहा है। और तुम्हें तुम्हारे राज काज का ही पता नहीं। माता जी आप बताओ क्या हो रहा है? बोले, तुम्हारे पिता और अवध की प्रजा तुमको युवराज बनाना चाहती है। अच्छा माता जी आप क्या चाहती हो? तो माता केकई कहती है, बेटा मैं चाहती हूं तू बन जा। तू बन जा। राम जी बोले, माता जी ऐसी कौन मां होगी जो ये नहीं चाहती है कि उसका बेटा बन जाए? हर मां चाहती है मेरा बेटा कुछ बन जाए। कौन मां चाहेगी कि उसका बेटा बिगड़ जाए? मां तो यही चाहेगी बन जाए। अरे बेटा मैं चाहती हूं तू बन जा। तो माता जी मैं भी तो यही कह रहा हूं, हर मां यही चाहती है कि उसका बेटा कुछ बन जाए। नहीं बेटा मैं चाहती हूं तू बन। बन जाए। क्यों? क्योंकि जब तक वन में दुखी प्रजा का सुख उन्हें वापस न लौटा दिया जाए तब तक इस राजगद्दी पर बैठने वाले राजा राम का नाम चारों युगों में और प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जंगल में रहने वालों का दर्द क्या है ये तो जंगल में जाने पर ही पता चलेगा। बेटा जब तक राज्य की सीमा सुरक्षित नहीं है तब तक राजा सुरक्षित नहीं है। राज्य की सीमा में चारों ओर से आक्रमण राक्षसों का हो रहा है, इसलिए राज्य की सीमा को सुरक्षित करने के लिए मैं चाहती हूं तुम बन जा। यानी माता की ये पहले से स्कीम थी, पहले से योजना थी। राम जी ने कहा, माता जी आप जानती हो अगर आपने मेरे को वन में भेजने की योजना बनाई तो पीछे से क्या होगा? बोले, बेटा जानती हूं दुनिया कोई मेरा नाम लेने नहीं चाहेगी, डरेगी। लेकिन भले ही कोई दुनिया मेरा नाम न ले लेकिन मेरा बेटा कुछ बन जाए। माता केकई राम से बड़ा प्रेम करती थी मेरे भाई, बड़ा प्रेम करती थी राम से। आपको पता होना चाहिए राम का जन्म तो कौसल्या के यहां हुआ था लेकिन राम रहते हमेशा केकई माता के पास में ही थे। और भरत का जन्म तो केकई के यहां हुआ लेकिन भरत रहते थे माता कौसल्या के यहां। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो राम से प्रेम न करता हो। अरे मनुष्य की बात छोड़ो, पशु पक्षी भी राम से प्रेम करते थे। लेकिन सजनों राम का राम को कुछ बनाने के लिए मां को अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ा और वन में भेजना पड़ा। यानी जो मां अपनी ममता के चक्कर में बेटे को गले से लगा करके रखती है, न पढ़ा पाती है न कुछ बना पाती है, उस मां के लिए क्या कहा है शास्त्रों में कि माता शत्रु पिता बैरी,
ये न बालों न पाटे ते सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु है, वो पिता बैरी है, जो केवल ममता के चक्कर में मेरा बेटा मेरा लाडला मेरी आंखों से दूर नहीं जाना चाहिए और उसको बिगाड़ करके तेरा हाल कर लेते हैं और पूरे गांव में महाराज थू थू के लाडवा की भूखी जामी, इससे बढ़िया तो यही रह जाते। जब आंख वावे ने बोले वो तो उस बच्चे की दुश्मन है, भले ही अपने से बच्चे को दूर करना पड़े लेकिन सजनों दूर करने के बाद भी अगर वो योग्य बन गया तो माँ बाप के नाम को रोशन करेगा, अपने नाम को रोशन करेगा, पीढ़ियों का नाम रोशन कर देगा। पर केवल गले लगा करके रखा, हाँ क्या ऐसी है माता के कई, लोगों ने कितना बुरा भला कहा केकई माता को, फिर भी केकई माता हर दर्द हर गम को पी गई और मन में यही सोचती है एक दिन मेरा राम ऐसा राजा बनेगा कि जब जब राजा का नाम लिया जाएगा तब तब राजा राम को याद किया जाएगा। आज भी हम जब बोलते हैं राजा कैसा हो, बोले राजा राम जैसा हो, आज भी बोलते हैं। ऐसी माता के कई और तीसरी पत्नी थी, उनका नाम था सुमित्रा। लेकिन एक कन्या हुई, बेटा नहीं था दशरथ जी महाराज के, बेटी तो थी, बेटी का नाम था शांता, बेटा नहीं था। दशरथ जी के मन में गलानी हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक बार भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माए, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माए, एक बार बेटा तो बहुत पहले से नहीं है पर गलानी आज ही क्यों हुई, इसके पीछे संतों ने कई कारण बताए हैं। एक बार क्या हुआ, माता अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी से कहने लगी हे स्वामी, अपने महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, आप जैसे गुरु के होते हुए कोई कृपा करो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा दशरथ के मन में पुत्र की लालसा तो हो, कामना तो हो, कामना ही नहीं है। गुरु माता ने कहा लालसा और कामना तो हम उनके मन में बना देंगे तो ठीक है, पुत्र की कृपा हम ठाकुर जी से करवा देंगे। तो माता अरुंधति ने क्या किया, गुरु पुत्र सखेंद्र को साथ में लेकर के गई, अपने बेटे को गोद में था, छोटा ही बेटा था, और चोंटी काट करके रुला दिया उसको, चोंटी काटी, रोने लग गया बच्चा। दशरथ जी बैठे थे, कहा गुरु माता ये बालक क्यों रो रहा है, तो गुरु माता अरुंधति कहती है महाराज क्या बताएं, क्यों
बोले इस बालक के रोने का कारण ये है कि ये बालक कह रहा है मां मुझे तू मार दे। अरे क्यों? ये बालक कह रहा है मां मेरे पिता वशिष्ठ दशरथ जी के पुरोहित हैं, राज पुरोहित हैं, दशरथ जी के कोई औलाद नहीं है, तो मैं आगे क्या करूंगा, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, इससे अच्छा तो तू मेरे को मार दे। और इतना सुनना था कि दशरथ जी के मन में गलानी हो गई और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा एक बार भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। संतों ने और भी कारण बताए हैं। एक बार क्या हुआ, शनि की वक्र दृष्टि पड़ने से दशरथ जी का रथ जल करके भस्म हो गया, रथ दशरथ जी बेहोश हो गए, ऊपर से नीचे गिर रहे थे। जटायु ने देखा और जटायु ने अपने पंखों पर दशरथ जी को बचाया और जैसे ही दशरथ जी को होश आया, दशरथ जी महाराज ने होश में आते ही खुशी से कहा मांगो जटायु, क्या चाहिए, जो मांगोगे वही मिलेगा, मांगो क्या चाहिए। जटायु कहने लगे महाराज एक भिखारी को क्या देगा, क्या दोगे आप, एक भिखारी को क्या दे सकता है। महाराज दशरथ ने कहा जटायु तुम शायद मुझे जानते नहीं हो इसलिए ऐसी बात बोल रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं, कौन हो। बोले अयोध्या का एक छत्र सम्राट महाराज दशरथ। तो फिर मैं क्या करूं, मांगो क्या चाहिए, हीरे मोती सोना चांदी गाड़ी घोड़े गांव नगर, बोलो क्या दूं। पक्षीराज जटायु कहते हैं महाराज मैं क्या तो हीरे मोतियों का करूंगा, क्या सोने चांदी का करूंगा, क्या आपके इन गाड़ी और घोड़ों का करूंगा, क्या इन गांवों का करूंगा, मैं पक्षी हूं, मुझे किस चीज की जरूरत है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज जो मुझे चाहिए उससे आप भी कंगाल हो और मैं भी कंगाल हूं। क्या? बोले मेरा अंतिम संस्कार करने वाला पुत्र चाहिए, बोलो दे सकते हो क्या। अब दशरथ जी के तो खुद ही नहीं था, और जैसे ही जटायु ने ये बात कही मन में गलानी हो गई, हे भगवान अगर आज मेरे बेटा होता तो मैं तुरंत दे देता, ये रघुवंशी संकुचित नहीं होता, क्योंकि रघुवंश का हमेशा नियम रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली। चाहे प्राण चले जाएं लेकिन वचन, मन बड़ा संकुचित हुआ, मन में बड़ी गलानी हुई। और जैसे ही इस लीला का दर्शन गोस्वामी जी ने किया तो अपने रामचरितमानस में लिख दिया। तुरंत गोस्वामी जी ने अपनी कलम को उठाया और लिख दिया एक बार भूपति मन माए।
गलानी हमारे जीवन में भी होती है, गलानी दशरथ के जीवन में भी हुई। हम रोने बैठ जाते हैं और दशरथ जी महाराज रोने नहीं बैठे। देखो गुरु इसीलिए ही होते हैं ताकि हमारी शंका का समाधान कर सके। हम क्या सोचते हैं, गुरु जी बना लो, गुरु मंत्र ले लो, नैया पार हो जाएगी, हो गए भव से पार। मेरे भाई केवल मंत्र लेने से कोई नैया पार नहीं होती है। लोगों की भावना पता नहीं कैसी हो गई। यहां कई लोग क्या सोचते हैं, सोचते क्या है, बोलते भी हैं कि कथा में नाचने से 84 कट जाती है, इसलिए जिसके पैरों में दर्द है ना, कई बोलते हैं दर्द निकल जाता है। तो कई बातें तो जो घुटना बदलवा के आई है वही सोचती है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, नाच लो कथा में, 84 तो कटे। अब ये पता नहीं कि तुम्हारी क्या कटेगी, पहले कथा बांचने वाले की 84 कट जाए तो ही बहुत है। संदेह तो यहां है, बांचने वाले की कटना मुश्किल हो रहा है। मेरे भाई 84 कथा में नाचने से नहीं कटेगी, 84 भगवान का भजन करने से कटेगी, कथा को ध्यान से हृदयंगम करने से 84 कटेगी। नाचने से विघ्न जरूर होता है कथा और श्रोता के बीच में। तुम आगे नाचोगे, पीछे जितने भी बैठे हैं बेचारे क्या होगा। पर आजकल तो परंपरा ही हो गई महाराज। अच्छा होता क्या है, बैठे बैठे लोगों के पैरों में दर्द होने लग जाता है, तो बीच में जब भजन आए तो 15 मिनट हा महाराज कथा जोर की हुई, और 3 घंटे नहीं नचाओ नहीं कुछ करो तो 3 घंटे में पैर दर्द करने लग जाते हैं। क्या की कथा ही, गोटा दुख लगा बैठे बैठे। अच्छा कई लोग तो यही, भजन बहुत बढ़िया चोखो गायो, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा भजन गाया, अब श्लोक का अर्थ क्या था, भाव क्या था, जीवन में कुछ पता नहीं है। भजन अच्छा था, आज तो आनंद आएगा नाच करके। हाँ मेरे भाई कहने का मतलब क्या है, 84 नाचने से या केवल गुरुजी बना लेने से या केवल मंत्र लेने से, अगर साक्षात भगवान आ जाए उनसे भी आप मंत्र ले लो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं है। कब तक, बोले जब तक भजन न किया जाए तब तक। अपने राजस्थानी में एक भजन है ना, अरे गुरु की करनी गुरु जी जाए, अरे चेले की करनी चेला साधो भाई जगत का खेल हर बेला, साधो भाई जगत का खेल हर बेला, साधो भाई जगत का खेल हर बेला, साधो भाई जगत का खेल हर बेला। हम सतगुरु मारे लारे, हम सतगुरु मारे लारे, हम राम सुमिर कर बेला, साधो भाई कौन गुरु कौन चेला, कौन
गैला समझ लो, गैला गैला मतलब मूर्ख बावड़ो। अपनी मारवाड़ी भाषा तो गैलो ही है बावड़ा। अरे बावड़े, खाली केवल गुरुजी की पूंछ पकड़ने से कल्याण नहीं होगा, भगवान का नाम लेने से कल्याण होगा। और आज सजनों 99% लोग ऐसे हैं जो अपने आप में बड़े महान मानते हो, हमारे गुरुजी हो, ब्रह्मांड गुरु है, ओ पहुंचे हुए। तो गुरुजी पहुंचे हुए तो तुम कहां हो? पहुंचे हो तो अपनी जगह, उनके काम आएगा, तुम्हारे क्या काम आया? तुम्हारे तो भाई, तुम रोटी खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा, और वो रोटी खाएंगे तो उनका पेट भरेगा। तुम भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और वो भजन करेंगे तो। नहीं तो कहते ना, गुरु गुड़ी रहा चेला चीनी हो गया, मतलब चेले ने भजन किया तो भगवान तक पहुंच गया, गुरु जी गुड़ी रह गए। भजन का महत्व है मेरे भाई। और जब से लोग भगवान के भक्तों को सिर्फ अपने तक जोड़ करके रखने लग गए, भगवान की भक्ति से हटाने लग गए, केवल गुरु गुरु की महिमा तो गाने लग गए और राम की महिमा गाना बंद कर दिया, तब से ये गुरु परंपरा बदनाम हो गई मेरे भाई। आज देखो, पहले गुरु अपने माध्यम से भगवान की भक्ति का प्रचार करते थे, और आज भगवान की भक्ति के माध्यम से लोग अपना प्रचार करते हैं। कितना उल्टा समय आ गया। और मेरे भाई, बिना परमात्मा के गुरु का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वशिष्ठ पुलस्त्य पुलह कर्तु चमन अंगिरा, ऐसे त्रिकालदर्शी महात्मा हुए, उन्होंने भी भक्तों को भगवान से मिलाया, नहीं कि अपने आप से मिलाया, उनको भी भक्ति का मार्ग बताया, ऐसे भजन करो, ऐसे पूजन करो, ऐसे पाठ करो। ऐसे गुरु की शरण जब दशरथ जी गए तो मन के संशय का समाधान हुआ, और गुरु जी ने कहा धीरज धारण करो। कहा महाराज धीरज धारण तो अब नहीं होती, कुछ भी करो। तो कहा ठीक है, फिर अपने जवाई को बुलाओ। और दशरथ जी के जवाई कौन है? श्रृंगी ऋषि। क्योंकि दशरथ जी की एक बेटी थी जिसका नाम था शांता, जिसका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्रृंगी काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। और देखिए, आहुतियां देने की जरूरत नहीं पड़ी, भक्ति सहित मुनि आहुति दी। एक ही आहुति में, आहुतियां नहीं दी, आहुति एक ही आहुति दी। किसके साथ? भक्ति के साथ। ज्ञान के अभिमान में कार्य करोगे, समय लगेगा। वैराग्य के अभिमान में कार्य करोगे, समय लगेगा। लेकिन भक्ति और प्रेम में डूब करके कोई कार्य करोगे तो समय नहीं लगेगा। भक्ति सहित भूमि आहुति दी, प्रगटे
अग्निदेव प्रकट हो गए और हाथ में खीर का पात्र है, चरु है। कहा महाराज, यह हवि बांट देव निप जाई, राजन ये खीर अपनी रानियों को बांट दो। और सजन वो खीर कौशल्या, केकई और माता सुमित्रा को बांटी गई। और जब उस खीर को बांटा तो सजनों उस खीर के प्रभाव से, पैस के प्रभाव से, ऐसा भी वर्णन आता है कि सुमित्रा माता के हाथ में जो खीर थी ना, उसको एक चील लेकर के उड़ गई और उसी से हनुमान जी का जन्म, कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है। फिर कौशल्या और केकई माता ने सुमित्रा माँ को अपने हिस्से में से, और तब सुमित्रा माता ने कहा, अगर सुमित्रा माता, अगर मेरे दो बालक हुए तो मैं एक बड़ी बहन की बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक छोटी बहन यानी बीच वाली यानी केकई माता के बेटे की सेवा में। और सजनों वो समय भी आया, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष कि सजनों नौ सबसे बड़ा अंक है। सबसे बड़ा अंक क्या है? नौ। और सबसे छोटा अंक क्या है? एक। दस तो संख्या हो जाती है, जीरो एक संख्या होगी, दस अंक बनाओगे सब छोटा हो जाएगा। ग्यारह भी संख्या है, एक एक दो सबसे बड़ा अंक है नौ। सबसे बड़े भगवान आ रहे हैं, इसलिए नौमी तिथि के दिन भगवान आए। दूसरी बात, नौमी तिथि भगवान के पास जाके रोने लगी, भगवान सब मुझे रिक्ता रिक्ता कहते हैं। भगवान ने कहा, नौमी चिंता मत कर, आज के बाद तेरे को कोई रिक्ता नहीं कहेगा। क्यों? मैं तेरे में अवतार लूंगा और सब तेरे को राम नौमी के नाम से जाने। और सजनों, भगवान ने नौमी तिथि के दिन अवतार ग्रहण किया। मधुमास चैत्र का महीना, जिसमें नववर्ष शुरू होता है, सब कुछ नया। अपने नववर्ष कब मानते हैं? जब सब नया नया दिखाई दे, पेड़ों पर नए नए पत्ते, घरों में नया नया अनाज। और चैत्र के महीने में कहते हैं ना, खून भी बदल जाता है, यानी नया बोलते हैं ना, चमड़ी भी नई नई आने लग जाती है। तब हम भारतवासी नया साल मनाते हैं। अंग्रेज लोग तो मान लेते हैं बस नया साल आ गया, मान लेते हैं। जैसे आपको पता ना, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग। अंग्रेज गुड मॉर्निंग पता क्यों बोलते हैं? अपने यहाँ तो हर मॉर्निंग ही गुड होती है, लेकिन विदेशों में मॉर्निंग गुड होती नहीं है, वो तो मानना पड़ता है उनको। आप कहोगे कैसे? अधिकांश देश ऐसे हैं जहां या तो ठंडी या बहुत ठंडी,
दो ही चीज पड़ती है, गर्मी तो आती नहीं है वहां पर, जो जितने सफेद सफेद गोरे गोरे लोग होते हैं ना, ये उस देश के होते हैं जहां या तो ठंडी या बहुत ठंडी। ये जो ब्रेड सॉस अपने लोग खाते हैं ना, ये अपने यहाँ के थोड़ी हैं, अपने यहाँ तो ताजा टमाटर मिलता है, अपने यहाँ सॉस के खाने की बासी सड़ा टमाटर खाने की क्या जरूरत है। ब्रेड क्या है? सड़ा हुआ आटा, मैदा। अरे भैया हम ताजा बना के खा सकते हैं, फिर सड़ा हुआ मैदा क्यों खाएं? पर देखा देखी अंग्रेजों की औलाद है ना, अंग्रेज तो मर गए औलाद छोड़ गए, देखा देखी बड़े हैं। माँ के हाथ की बनी हुई सुबह की रोटी शाम को बासी लगेगी, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये ब्रेड कौन का ताऊजी जो है वो गरम गरम बना के जाता है। बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं ना, वो बासी नहीं लगती उनको, ये नमकीन ये बासी नहीं लगती उनको। विदेशों में क्या होता है, इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि पानी आटा जम जाता है महाराज। तो वो लोग क्या करते हैं, जब कुछ ठंडी कम होती है तो उस समय ये ब्रेड बना बना के रख लेते हैं, टमाटर का ताजा सब्जी तो होती नहीं है इतनी इतनी ठंडी के अंदर में, तो उसका सॉस वॉस सड़ा सड़ू के कैसे तैसे बना के रख लेते हैं, उसमें लगा लगा के खाते रहते, लगा लगा के जीवन व्यापन करते हैं। अब यहाँ ताजा टमाटर मिलता है, ताजा यहाँ पर महाराज आटा मिलता है, रोटी मिलती है, सब्जी मिलती है, अब यहाँ सड़ी ब्रेड खाने की क्या जरूरत है भाई? हाँ अच्छा, जब वहां ठंडी ही ठंडी पड़ती है, सूर्य के महीनों महीनों दर्शन नहीं होते, तब कब सुबह हुई कब शाम हुई कोई पता नहीं है, तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो आपस में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, आप ही बोल के गुड बना लिया भाई, गुड है तो नहीं, उनके यहां गुड मॉर्निंग होती नहीं है, कभी बैड ही मॉर्निंग होती है, तो वो आपस में बोल करके खुश हो जाते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और अपने यहां तो हर मॉर्निंग ऐसी गुड होती है, आहा, अपने यहां कुछ माना नहीं जाता, जो होता है हकीकत वहां मान लिया जाता, ऐसा मान लो, माना नहीं जाता, नया साल मान लिया, अपने नया साल माना नहीं गया। जब नया साल आता है तो सब कुछ नया, घरों में अनाज नया, पेड़ों पर पत्ते नए, भाई खाते नए, शरीर में खून नया, डॉक्टर से चेकअप कराना, चमड़ी भी नई आने लग जाती है, पुरानी उतरने लग जाती है, उसको कहते हैं नव वर्ष, नया साल। और वो आता चैत्र के महीने में, नौमी तिथि मधु मास शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष चांदनी रात क्यों? बोले जिनके जीवन में रावण ने अंधेरा भर दिया है उनकी जिंदगी में रोशनी करने वाले भगवान आ रहे हैं, इसलिए मेरे प्रभु का अवतार शुक्ल पक्ष में हुआ। अभिजित मुहूर्त जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सके, ऐसे भगवान आ रहे हैं इसलिए अभिजित मुहूर्त में आए। और नक्षत्र कौन सा था? पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु माने पुनः बसाने वाला, अर्थात जिनके घरों को रावण ने उजाड़ दिया है उनके घरों को पुनः बसाने वाले भगवान आ रहे हैं। और वार कौन सा था? मंगलवार, जिस दिन भगवान आए। मंगलवार को क्यों? बोले भैया मंगलवार अमंगल का हरने वाला है, मंगल करने वाला है। तो सबके जीवन में जिनके आने से मंगल होने लग जाए ऐसे भगवान आ रहे हैं, इसलिए मंगलवार को भगवान आए। मंगल भवन अमंगल यहां
कौशल्या के महल से एक थाली और ताली बजी, केकई के महल से भी एक थाली और ताली बजी, लेकिन सुमित्रा के महल से डबल डबल थाली डबल डबल ताली। बोलो दशरथ नंदन लाल की जय हो। और सभी कहने लगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हो सदाई। जन्म नहीं मेरे भाइयां, एक साधारण भाषा में हम बोल देते हैं जन्म। और कुछ लोग इसी बात को पकड़ करके कहते हैं तुम्हारे राम का तो जन्म हुआ, और जो जन्म लेता है वो मरता है, तो राम जन्म में मर गए। पर मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं राम जन्म में और मर गए। राम जन्म नहीं लेते। भय प्रगट कृपाला, पढ़ो रामायण गीता भागवत पढ़ो, प्रगट प्रगट होने में और जन्म में अंतर क्या है। जैसे कोई व्यक्ति चलता चलता गड्ढे में गिर पड़े, अपनी इच्छा से नहीं गिरा, गिर गया तो चोट भी खाया, दर्द भी हुआ, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए उतरे और ऐसे उतरा, अपनी इच्छा से उतरा, उसको भी निकाल लाया, खुद भी निकल आया। तो जैसे गड्ढे में गिरने में और उतरने में अंतर है, ऐसे सजनों अवतार में और जन्म में अंतर है। आप और हम भव अपने कर्म बंधनों में बंध करके
संसार रूपी भवकूप में गिर पड़ते हैं और परमात्मा कर्म बंधनों में बंध करके नहीं आते। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे। अगर आप कहोगे हम भी अपनी इच्छा से आए हैं, तो सजनों अगर हम अपनी इच्छा से आते तो करोड़ में आते, रोड पर कोई नहीं आता। हर आदमी एक दूसरे से बंधा हुआ है कर्म बंधन में, एक कर्म बंधन में बंध करके दुनिया में आते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है वैसा जन्म, वैसा परिवार, वैसा घर, सब रिश्ते नाते कुटुंब कबीला वैसा ही मिलता है कर्मों के अनुसार। हाँ, भगवान प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होते हैं दीन दयालु वो परमात्मा। कौशल्या जैसे भक्तों का हित करने के लिए, क्योंकि परमात्मा हितकारी हैं, प्रकट होते हैं। और अद्भुत रूप, अद्भुत रूप कैसे है? भूषण बनमाला नयन विशाला, आहा, निज आयुज भुज चारी, चार भुजाएं आयुध लिए हुए हैं शंख चक्र गदा पद्म, इसलिए अद्भुत हैं। अद्भुत बालक हुआ अद्भुत। मां कौशल्या ने पूछा आप कौन हो? ठीक दोपहर के 12 बज रहे थे, नौमी तिथि थी, मंगलवार था। आप कौन हो? बोले मैं आपका बेटा हूं। माताजी ने खिड़की उड़की बंद की, द्वारा बोलना मैं आपका बेटा हूं। माताजी बोली कोई सुनेगा तो हंसेगा, आप बेटे नहीं मेरे बाप के भी बाप लग रहे हो। बेटा ऐसा होता है? भगवान बोले माताजी बेटा पहली बार ही बन रहा हूं, अब आप बता दो बेटा कैसा होता है। मतलब पहली बार आज तक जब भी मैं आया हूं ऐसे ही आ गया, सीधा प्रकट हो गया, मतलब ऐसे ही आया हूं आज तक। तो माता कहती है कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी। देखो इस रूप में तो मैं हाथ जोड़ के आपकी स्तुति करूं, आप अनंत हैं, परमात्मा हैं, है? लेकिन बालक ऐसा नहीं। तो बालक तो छोटा होता है तजऊं तात यह रूप। हे तात ये रूप आप छोड़ दो, क्योंकि मैंने जो तपस्या की है, आराधना की है, प्रार्थना की है, वो इस रूप के लिए नहीं की है, वो तो बाल रूप के लिए की है। अच्छा छोटे बालक में जैसी ममता होती है ना, बड़े होने के बाद नहीं रहती। बच्चा स्याणा हो जाए फिर वो ममता नहीं रहती, जो छोटे बालक में ममता होती है जिसको कहते हैं भगवान का रूपा। भगवान मां की प्रार्थना सुनकर के छोटे बनते हैं, भक्तों के विवश, प्रेम के विवश, क्योंकि सजनों सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाके भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची आहा है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में सार। भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत छोटे कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनु। आप शिशु लीला करें, क्या करें? बोले जैसे बालक जब जन्म लेता है तो भगवान ने कपड़े उपड़े पहने के, कपड़े अपने थोड़ी पहन के जन्म लेता है, कपड़े गायब करो। अरे माताजी आप पहनाओगे मैंने पहन रखे हैं, बात तो एक ही है। माताजी बोले बात एक ऐसे कैसे एक बात है? क्यों? अरे हम पहनाएंगे उसमें ममता होगी, हमारा प्रेम होगा, हाथों से पहनाएंगे तो माँ का प्रेम, माँ की ममता। अब आप खुद ही पहन लोगे, जब खुद ही बाप बनोगे तो फिर क्या है? माताजी ये तो या तो जाओ, चले जाओ, जाओ क्यों? जब कहना नहीं मानो तो फिर क्या है? जाओ। भगवान कपड़े अंतर ध्यान कर देते हैं, अब तो मेरी मां ठीक है,
मैया बोली अभी पूरा ठीक नहीं है। तो अब रोवो। रोऊ क्यों? बोले देखो बालक जब जन्म लेता है ना तो जब तक रोए नहीं तब तक उसे हम नहीं मानते कि बालक ने जन्म ले लिया, मालूम है ना। ये दुनिया है सब रोते हैं और आने वाला नहीं रोए ये हमसे कैसे देखा जाए। इसलिए बालक जो नहीं रोता उसको नर्स उल्टा लटका देती है ऐसे, रो और फिर भी नहीं रोए तो थप्पड़ और मारती है, रो देखना आप कभी थप्पड़ और मारती है। पुरानी माताएं जानती होंगी इस बात को, रुवाने के लिए क्या क्या करती हैं, उल्टा लटका देंगी थप्पड़ मारेंगी, रो दुनिया में आ गया फिर भी नहीं रो रहा है। भगवान बोले तो माता जी ये दुनिया के बच्चे तो दुख होता है इसलिए रोते हैं, मैं क्यों रो, मुझे तो कोई दुख नहीं है। माता जी बोली प्रभु दुनिया को बहुत रुलाया है, अब खुद रो करके देखो कि रोने में कितना दुख है तब पता चलेगा। अरे जाके फटे ना पैर बिवाई वो क्या जाने, पीर पराई जिसकी पैर की बिवाई न फटे उसे दर्द बिवाई फटने का क्या पता भाई। हा? देखो जगदीश जी के घर में बालक विकलांग था तो उन्हें विकलांगों के दर्द का पता है कि क्या होता है, इसलिए अपने बच्चे के ऑपरेशन करवाने के बाद नारायण सेवा संस्थान में जब बच्चा ठीक हो गया तो इस लोसल नगरी के अंदर और नारायण सेवा संस्थान का कार्यक्रम ये विकलांग बच्चों के लिए करवाया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि आज मेरा बच्चा जब पैरों से विकलांग था तो मुझे कितना दर्द था पर आज ठीक हो गया तो कितनी खुशी है। तो जब आज मुझे खुशी है तो अगर मेरे द्वारा कोशिश करके और उन हजारों माँ बाप की आंखों पे भी मैं खुशी दे सकूं, उन बच्चों के आंखों में खुशी दे सकूं, इसलिए सजनों इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया। और आपको पता है ना ऐसे जब आयोजन करवाते हैं तो खर्चे पूरे लगते हैं, मालूम है ना, ऐसे नहीं होते। अरे भाई आप तो जो पैसा दोगे यहाँ के वासी जो लोग रसीद कटवाएंगे वो तो नारायण सेवा संस्थान में जाना है, विकलांग बच्चों के लिए जाना है, वो कार्यक्रम में नहीं लगना है। कार्यक्रम में तो जगदीश जी का ही पैसा लगना है या उनके परिवार का पैसा लगना है। आप जो भी रसीद कटवा के पैसा दोगे वो तो नारायण सेवा संस्थान में विकलांग बच्चों के निमित्त है। तो इतना पैसा जगदीश जी ने खर्च किया किस लिए? क्योंकि उस दर्द को समझा कि आज मैं छोटे से लेकर के जब 2 साल का मेरा बेटा था तब वो विकलांग हुआ था, आज इतना बड़ा कैसे महाराज टेढ़ा टेढ़ा चलता था, आंखों देख करके आंखों में पानी आ जाता था, और वही जब ऑपरेशन के बाद इनका बच्चा सीधा चलने लगा आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई और मन में सोचा हे भगवान मुझे ऐसी ताकत दे मैं और बच्चों को भी उनके पैरों पर खड़ा कर सकूं। और सजनों इसी उद्देश्य के लिए ये कार्यक्रम है, बाकी जगदीश जी के घर का खुद का कोई वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, उसे कोई अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, कोई अपना नाम कोई अपना नाम भी नहीं दिया, आयोजक का भी नाम खर्चा पूरा करने के बाद भी आयोजक अपना नाम नहीं दिया है कि भाई मैं कराने वाला हूं, नहीं कराने वाले तो परमात्मा है। पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वो समझो क्या, किसी असहाय बालक के चेहरे पर आंखों पर खुशी बस देखने की तमन्ना, ये और ये खुशी कब देखेंगे जब हम थोड़ा थोड़ा सहयोग उन बच्चों के लिए करेंगे अपनी ओर, जितना हो सके दवाई का सहयोग, एक बच्चे के ऑपरेशन का सहयोग, 2 बच्चे का ऑपरेशन का सहयोग, क्यों ये दर्द वही जान सकता है ज्यादा जिसने इस दर्द का अनुभव किया हो। तो मेरे भाई ठाकुर जी हमें इस दर्द का अनुभव न करवाए और हम ऐसे ही दर्द समझ करके बच्चों की सहायता करें ये हमारे मन की तमन्ना होनी चाहिए। जाकी फटे ना पैर विवाई वो क्या जाने पीर पराई। मां कौशल्या कहती है भगवान दुनिया को बहुत रुलाया है पर रोने का दर्द क्या होता है ये तो आपको तब समझ में आएगा जब आप खुद रोओगे। रोवो। भगवान ने कहा माता जी
रोना जरूरी है, बिना रोए तो बच्चे का जन्म ही नहीं होता। देखो अपनी जिंदगी शुरू होती है रोने से और खत्म भी हो जाती है। आते हैं तब हम रोते हैं, जाते हैं तो दुनिया रोती है। दुनिया हंसती है जब हम आते हैं तब, आ गया, हम रोते हैं वाई वाई वाई, हम रो रहे हैं, दुनिया हंस रही है। वो बालक भी मन में सोचता है चिंता मत करो, एक दिन तुम सब रोओगे और मैं हंसूंगा। और वही होता है, बालक तो महाराज हंसता हंसता जाता है, दुनिया उसके लिए रोती रह जाती है। हाय रे कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था, सबके काम आता था, दुनिया रोती रह जाती है उसके लिए। रो, मां बोली बेटा देखो प्रभु, जब तक बच्चा नहीं रोए तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि बच्चा आ गया। जब रोता है तभी तो खबर होती है कि हाँ आ गया, बच्चा हो गया, तभी तो खबर होती है। भगवान बोले एक काम करो, मैं यहाँ सो रहा हूं, आप सबको जा जाके बोल दो मेरे बेटा हो गया, मेरे बेटा हो गया, मेरे बेटा हो गया। मैया बोली ये नहीं चलेगा, दुनिया में आए हो तो नियम तो वही पालन करना पड़ेगा, रोना तो आपको पड़ेगा। अब देखो भगवान को रोना नहीं आ रहा है। पर सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभू। सुनी बचन सुजाना, रोना आना नहीं ठाना। एक तो है आना, अपने आप रोना आता है, एक ठाना, ठान लिया कि हमें रोना है बस। और जैसे ही भगवान रोने लगे, आहा, होए बालक सुर रूपा, अरे बालक हो गया, बालक हो गया। और यह चरित जे गावही, हरि पद पावही, तेन परही। जो ये चरित्र गाएगा वो हरि का पद पाएगा, तेन परही भव कूपा। और महाराज चारों ओर बधाइयां उत्सव मनाए जाने लगा। प्रगटे हैं आज रघु रैया, देखो बाजे बधैया, प्रगटे हैं आज रघु रैया, देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, 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 देखो बधैया, 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 बधै